हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के डिस्ट्रीब्यू क्वेश्चन को। और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कमेंट कोटिंग रेलिवेंट प्रोविजंस वेदर द फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव्ड बाय अ कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट और नॉट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये जो अमाउंट्स नीचे दिए गए हैं 3 केसेज में वो डिपॉजिट है या नहीं। Now first, 5 लाख रेज्ड बाय ऋषि कन्फेक्शनरी लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। 5 लाख उन्होंने लिए हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके। नॉट कंस्टिट्यूशन चार्ज, उसके अगेंस्ट चार्ज भी नहीं क्रिएट किया है, मतलब गारंटी भी नहीं किसी एसेट को बनाया है। एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज पर द एप्लीकेबल रेगुलेशन। सेबी की रेगुलेशन को फॉलो करके उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्टिंग भी करा ली है, तो बताना ये डिपॉजिट है या नहीं। सेकेंड, ₹2 लाख received by Raja Yans Limited from its employee Mr. Tarun who draws an annual salary 1,50,000 as a non-interest bearing security deposit under a contract employment। अब 1.5 लाख, वो तो 1.5 लाख तक ले सकते हैं डिपॉजिट, यहाँ पे 2 लाख ले रहे हैं, हमने इस एग्जाम्पल भी कवर किया है इस पर। 3 लाख रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम वन ऑफ इट्स रिलेटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव से 3 लाख लेना, क्या ये डिपॉजिट होगा या नहीं होगा। और दिस सेड रिलेटिव ने डिक्लेरेशन में फाइल किया कि मुझे मदर ने गिफ्ट किया है। तो इन सारे क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं कि क्या, और ऐसे ही केस बन के आएंगे आपके एग्जाम में भी। 7 का फर्स्ट, डिपॉजिट का मतलब होता है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट। बट उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं वो अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है अकॉर्डिंग टू RBI। ठीक है, तो पहला है 5 लाख रेज्ड बाय ऋषि कन्फेक्शनरी लिमिटेड थ्रू अ इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर के अगेंस्ट ले लिया और चार्ज भी कंस्टिट्यूट नहीं किया, तो सेबी के अकॉर्डिंग उसने लिस्टिंग भी करा ली है। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, ऐसे को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे क्योंकि उसको लिस्टिंग भी करा लिया है, कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी, और ऊपर से चार्ज भी क्रिएट नहीं किया। सेकेंड, 2 लाख रिसीव्ड बाय राजा, एम्प्लॉई से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें है कि 1.5 लाख की है ना उसकी एनुअल सैलरी, तो देखो नॉन बियरिंग होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बट विल बी कंसिडर्ड डिपॉजिट इन टर्म्स फॉर द अमाउंट रिसिव्ड इज मोर देन हिज एनुअल सैलरी ऑफ 50 लाख। तो मतलब 1.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट रिसीव किया है वही डिपॉजिट माना जाएगा, 1.5 लाख तक डिपॉजिट नहीं है। तो 50,000 इस केस में डिपॉजिट है। 3 लाख प्राइवेट रिसीव किया है प्राइवेट कंपनी बाय प्राइवेट कंपनी अपने ही रिलेटिव से, तो रिलेटिव के केस में क्या है, गिफ्टेड मनी, तो एज एन एडिशन द कंपनी शैल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इस केस में है कि इन्होंने बता दिया कि डायरेक्टर रिलेटिव से लिया हुआ अमाउंट है, तो रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम हिज मदर एज अ गिफ्ट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट विद रीजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए जो नीचे 2 स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला, ABC प्राइवेट लिमिटेड में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख। ABC लिमिटेड 50 लाख तक रिसीव कर सकती है डिपॉजिट इफ़ द एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर उसका पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम 50 लाख तक है तो 50 लाख तक ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन इस केस में तो कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का ले सकते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। सेकंड, ए गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76। ए गवर्नमेंट कंपनी जो एलिजिबल है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सीडिंग 25%, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो पब्लिक के केस में क्या 25% है, क्या प्राइवेट के केस में 10% है, इस पर यह सवाल है और आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो पहला है, देखिए पहले में क्या है, एज पर द प्रोविजन, यहाँ से पढ़ते हैं प्रोविजन ऑफ कंपनी, कंपनी शैल एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ अदर डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ acceptance of such deposit not exceeding 35% of aggregate 35% of aggregate of the paid up share capital, free reserve or security premium account of the company. It is provided that the private company may accept from members monies not exceeding 100%. Okay, sorry, private limited के केस में 100% and not exceeding 100% of aggregate of the paid up share capital. Paid up share capital, free reserve और security premium का account का 100% तक ले सकते हैं और condition है कि उनको DPT-3 फाइल करना है. Therefore, given statement ABC Limited accept कर सकती है 50 लाख, which is true. Second, as per the rule, government company is not eligible to accept or renew deposit under section 76 if the amount of such deposit together with the amount of other deposit outstanding as on the date of acceptance or renewal exceeds 35% of the aggregate of its paid up capital. अगर paid up capital के 35% से ज़्यादा है डिपॉजिट का अमाउंट या फिर पुराना डिपॉजिट जो उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दोनों को ऐड करके. देयरफॉर इन द गिवन स्टेटमेंट वेयर द लिमिट ऑफ 25% हैज बीन स्टेटेड फॉर द एक्सेप्टेंस डिपॉजिट विच इज़ फॉल्स. और लिमिट में क्वेश्चन में दिया गया था 25% के बारे में जो कि यहाँ पे 35% है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 9. आंसर द फॉलोइंग साइटिंग रेलिवेंट प्रोविजन. अब इन तीनों के केस में आपको जवाब देना है. प्रयास इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ अवेल्ड द टर्म लोन ऑफ 10 लाख. पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, टर्म लोन ले रहे हैं 10 लाख का फ्रॉम बीटा बैंक लिमिटेड से. टू परचेज इलेक्ट्रिकल आइटम्स, खरीदने के लिए. मिस्टर संभव वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. अब डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये डिपॉजिट होना चाहिए इन हिज कंटेंशन कर. तो बताइए क्या वो सही कह रहा है. सेकंड, एक लव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड फेसिंग एक्यूट कैश क्रंच. एक लव्य पब्लिशिंग कंपनी के पास कैश क्रंच हो गया, पैसा नहीं है. वॉन्ट्स टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट पेमेंट रिजर्व अकाउंट. उसने जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाया था उससे में से वो पैसा यूज़ करना चाहता है ताकि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को पैसा दे पाएँ और ये जो हार्ड टाइम चल रहा है उससे बाहर निकल पाएँ. 20 लाख रुपये उसको चाहिए. इज जस्टिफाइड टू यूज़ फंड लाइंग डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व. क्या ये सही है कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में जो 20 लाख उसने रखे हैं डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए वो यूज कर सकता है. नाउ सी, संजीव इज अ शेयर होल्डर इन उत्सव टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10. संजीव 10,000 शेयर होल्ड करता है, ₹10 का एक शेयर है. हिज वाइफ स्नेहा एंड हिज 3 सन्स आयुष, प्रणव एंड हिमांशु आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स इन द कंपनी होल्डिंग 1,000 शेयर्स. और इसके सन और वाइफ जो है वो भी शेयर होल्डर है. इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन ऑफ द कंपनी इन्वाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, जब मेंबर्स से डिपॉजिट इन्वाइट किया जा रहा है, संजीव वांट्स टू डिपॉजिट ₹1 लाख फॉर 36 मंथ्स जॉइंटली विद हिज वाइफ एंड 3 मंथ्स. संजीव जो है वो डिपॉजिट चाहता है 1 लाख फॉर 36 मंथ अपनी वाइफ और अपने बच्चों से. Whether Utsav Textile Private Limited can accede to the request of Sanjeev and accept deposit jointly इन 5 names सिंस ऑल द डिपॉजिट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. क्या वो 5 से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जॉइंटली. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए. जब 10 लाख लोन लेने की बात हो रही है, रिव्यू द अबव द कंटेंशन ऑफ मिस्टर संभव दैट द Any amount received as a loan or facility from any banking company. लोन ले रहे हो, कोई फैसिलिटी ले रहे हो बैंकिंग कंपनी से, shall not be considered. उसको डिपॉजिट नहीं मानते तो इसलिए इसका कंटेंशन ठीक नहीं है. मिस्टर संभव जो कह रहा था नहीं बैंक से पैसा ले लिया हमने 10 लाख को डिपॉजिट के ट्रीट कर लेते तो वो गलत है. नाउ बी, रूल 13 ऑफ द कंपनीज रूल स्टेट्स दैट amount deposited in the deposit repayment reserve shall not be used by a company for any purpose other than repayment deposit. डिपॉजिट की रीपेमेंट के अलावा कोई और पर्पज से वो यूज कर नहीं सकते. सिंस देयर इज अ प्रोहिबिशन, क्योंकि वहाँ पे रोक है इस अमाउंट को यूटिलाइज करने पे. एकलव्य पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड इज नॉट परमिटेड टू यूटिलाइज इट्स डिपॉजिट. तो वो परमिटेड नहीं है कि वो डिपॉजिट यूटिलाइज करें या डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट से पैसे पे कर पाएँ, क्रेडिटर्स को नहीं कर सकते. नाउ थर्ड, Sanjeev can deposit 1 lakh with Utsav Textiles Private Limited jointly with 2 other person only irrespective of fact that the all the 5 person are member of the company. वो डिपॉजिट जॉइंटली कर सकता है ये कोई मैटर नहीं करता कि उसके 5% उसके कंपनी के मेंबर है, वो जॉइंटली कर सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन हमारे पास कोई और तरीका है नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिकॉल करनी पड़ेंगी चीज़ें, तभी आप थ्योरी और अल्टीमेटली थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, पास होना तो सभी सब्जेक्ट में ज़रूरी है, लिखना तो सबको ही है ना। तो इक्वली इम्पोर्टेंस है सभी चैप्टर्स का, सभी सब्जेक्ट्स का सीए के जो जर्नी है उसमें। तो कभी भी ऐसा मत सोचना, आपको इक्वली एफर्ट लगाना पड़ेगा ना कि ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सीए बनने के लिए सबको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। नाउ 10, बट हाँ एज ए स्टूडेंट होता ही है, जैसे मुझे भी होता था यार, ये थ्योरी सुला देती है, याद नहीं होता है इतनी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शुभ्रा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी नहीं है, इज डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वो डिपॉजिट चाहती है फ्रॉम इट्स मेम्बर्स अमाउंटिंग टू 200% ऑफ 200% चाहती है अपने पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। क्या बताइए, व्हाट आर द कंडीशन इट मस्ट फुलफिल बिफोर सच अ प्राइवेट लिमिटेड। केस में भी हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि वो 100% ले सकते हैं, लेकिन ये 200% लेना चाहते हैं डिपॉजिट। बैंक से कोई पैसा लिया तो उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। According to first proviso to rule 3, a private company may accept from its member money is not exceeding 100% of aggregate of the paid up share capital, free reserve और security premium। 100% से ज़्यादा नहीं ले सकते, 100% ऑफ किसका, paid up share capital, free reserve और security premium अकाउंट का। According to second proviso, the maximum limit in respect of deposit to be accepted from members, मैक्सिमम अमाउंट जो ले सकते हैं मेम्बर्स शैल नॉट अप्लाइड इन द क्लासेज। अब कुछ केसेज में वो जो लिमिट है ऊपर वाली 100% वो अप्लाई नहीं होगी, कब, विच इज़ नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी विच फॉरफिल्स, अगर वो एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी नहीं है। द बोरोविंग फ्रॉम सच अ बैंक और फाइनेंशियल बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो लोन लिया हुआ है बैंक और से तो पेड अप शेयर कैपिटल से वो कम है, लेस देन ट्वाइस मतलब उसके दोगुना से कम है या फिर 50 करोड़ से कम, विच एवर लेस। और सच अ कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, और कंपनी ने डिफॉल्ट भी नहीं किया है किसी की रीपेमेंट में डिपॉजिट बोरोविंग्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रोविजो ऑल द कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट शैल फाइल, तो कंपनी को जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद DPT-3 भी फाइल करना है। नाउ इन केस शुभ्रा चंद्र प्राइवेट इज नॉट एन एसोसिएट, कंपनी एसोसिएट भी नहीं है, सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है, और एनी अदर कंपनी एंड इट्स बोरोविंग फ्रॉम, उसका जो बोरोविंग है बैंक से वो भी कम ही है, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, या 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल का जो दोगुना और 50 करोड़ विच एवर इज लेस उससे कम है। एंड ऑल्सो इट हैज़ नॉट डिफॉल्ट, उसने डिफॉल्ट भी नहीं किया है किसी भी पेमेंट में। देन इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम ए मेंबर अमाउंटिंग टू 200, तो इस केस में वो 200% तक पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तीनों कंडीशन फुलफिल कर लिए। फर्दर इट शैल फाइल द डिटेल्स ऑफ मनी सो एक्सेप्टेड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म DPT-3, तो DPT-3 के फॉर्म में वो फाइल भी कर देंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमने ये चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर लिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इतने सारे लेक्चर्स या वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका कुछ हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसे तो ये वीडियोस एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस के पर्पस से है, कोई मैं यहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, ना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और ना ही एज ए टीचर कुछ मैं बता रहा हूँ। एक एज ए स्टूडेंट, जो मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचता था कि ऐसी वीडियोज़ होनी चाहिए, उसी के लिए मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन या क्विक प्रैक्टिस के लिए ये वीडियोज़ हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन बताओ कि भाई कुछ तो हेल्प हो ही रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत पूरी हेल्प हो रही है, नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो प्लीज़ बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।